नमस्कार दोस्तों, मैं राजेंद्र दुबे आप सभी का आपके अपने चैनल माई पाठशाला पर स्वागत करता हूं। रात के 10 बज चुके हैं और 10 बजे का सेशन आपका होता है अग्नि परीक्षा सीरीज का, तो बिल्कुल तैयार हो जाइए क्योंकि आपकी परीक्षा की घड़ी आ चुकी है। बेसिकली ये सेशन चलाया क्यों गया है ये मैं रोज बताता हूँ, आज फिर बता देता हूँ। ये सेशन इसलिए चलाया जाता है कि हम अपने आप को खुद चेक करें कि हम कितने पानी में हैं, हमारे ज्ञान का लेवल क्या है और हमने कितना पढ़ा है, जो पढ़ा है वो हमें कितना अपग्रेड करता है, कितनी जानकारियां हमारे पास रखता है। क्योंकि इस सेशन में 10 सवाल आते हैं और ये 10 सवाल एग्ज़ाम में आने वाले वो सवाल होते हैं या तो कभी ना कभी आ चुके हैं या फिर इनके आने की पूरी पूरी संभावना होती है। तो ये 10 सवालों की एक सीरीज है जो रोज रात को 10 बजे आती है मेरे साथ। रोज 10 बजे आप इन 10 सवालों का एंजॉय करते हैं। ये 10 सवाल 10 सवाल के बराबर नहीं होते, पहली बात तो ये भी जान लीजिए। ये 10 सवाल के अंदर जो इसकी व्याख्याएं होती है, जो इसका जो है इसकी समरी आपको दी जाती है, वो आपके लिए 10 नहीं बल्कि 40 सवालों के बराबर हो जाती है। तो बिल्कुल रोज एक सेशन ऐसा जो आपके 40 सवाल तैयार करा दे, इससे बेहतर और क्या होगा। तो आज इस चरण में चलते हुए हम लोग लगभग 77 कदम चल चुके, तो आज 77वां लेक्चर है। तो बिल्कुल फ्रेंड्स, बिना आपके सहयोग के ये करना आसान नहीं होता, क्योंकि हमको आप लोगों से ही मनोबल मिलता है, आप कितना साथ देते हो हमारा। क्योंकि जब आप ढेर सारी संख्या में लाइव आते हो, ढेर सारी संख्या में लोग आकर के पढ़ते हो और ढेर सारी क्वेरीज होती हैं, ढेर सारे जो है कमेंट्स होते हैं और ढेर सारे लाइक्स होते हैं, तो हमें भी मनोबल मिलता है और हमें भी ऊर्जा मिलती है कि नहीं, हमने जो एफर्ट किया वो बेहतर जा रहा है। धीरे धीरे इस एफर्ट में कमी आने लगती है तब जब आप साथ देना छोड़ देते हो, क्योंकि ताली दोनों हाथ से बजती है। हम मेहनत तभी कर दे, क्योंकि कोई भी काम करने में मन तभी लगता है जब उस काम का रिस्पॉन्स अच्छा हो, जब उस काम पे रिजल्ट अच्छा आए। तो जब काम पे रिजल्ट अच्छा आता, भाई आप पढ़ते इसलिए हो, इस उम्मीद से पढ़ते हो कि हम एग्ज़ाम में पास होंगे। अगर ये उम्मीद हो कि एग्ज़ाम कैसा होगा, नेवर माइंड पढ़ लेते हैं, तो ना दिल से पढ़ाई होगी और ना ही रिजल्ट ही पॉजिटिव आएगा। क्लियर? तो जब दोनों काम दिल से किए जाते हैं तो नो डाउट सब कुछ बेहतर होता है। इसी उम्मीद के साथ मैं इस सीरीज को चलाता रहता हूँ ताकि हम दोनों एक दूसरे से जुड़े रहें और एक दूसरे के साथ जो है कदम दर कदम चलते हुए सफलता की तरफ बढ़ें। तो बिल्कुल तैयार हो जाइए क्योंकि आने वाला है इस सीरीज का पहला सवाल। ये रहा इस सीरीज का पहला सवाल, कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसने अपने बादशाह पति के लिए मकबरे का निर्माण करवाया था। बड़ी अजीब विडंबना थी, अपने पति के लिए मकबरा, मतलब जान ही रहे हैं एक ऐसा घर जिसमें डेड बॉडी दफनाई जाती है। मकबरा मतलब कि आप ये कह सकते हैं कि ऐसा भवन जहां शव दफनाए जाते हैं। तो बेसिकली मैं आपको बता दूं कि हुमायूं वो शासक था, याद रहे, हुमायूं वो शासक था जिसकी बीबी ने उसके लिए मकबरा बनवाया था। अब हुमायूं की बीबी आप इन चारों में तलाशिए, शाह बेगम थी, हाजी बेगम थी, मुमताज महल बेगम थी या मेहरुन निशा बेगम थी। तो दो नाम से तो आप तुरंत एलिमिनेट कर दिए होंगे, मुझे पूरी तरह पता है, क्योंकि आप जानते हैं कि ये दो नाम हुमायूं से जुड़े हुए नहीं हैं। अब आपकी समस्या है शाह बेगम और हाजी बेगम। तो मैं आपको बता देता हूं कि हुमायूं की पत्नी हाजी बेगम ने हुमायूं के लिए एक मकबरा बनवाया था और ये मकबरा बनवाया गया 1564 में। कब बनवाया गया? 1564 में। और इसे बनाने वाले वास्तुकार मिर्जा ग्यास थे। कौन था? मिर्जा ग्यास महोदय थे और इन्होंने इस मकबरे को सफेद संगमरमर से बनवाया। किससे? सफेद संगमरमर का बना हुआ ये मकबरा है, सफेद संगमरमर का बना हुआ है ये। और इस मकबरे में पहली बार ऐसा हुआ कि इस मिर्जा ग्यास ने, जो कि एक ईरानी वास्तुकार था, इसने गुंबद का प्रयोग किया है। तो गुंबद वाली ये पहला मकबरा रहा। याद रहे कि गुंबद वाला ये पहला मकबरा हाजी बेगम ने बनवाया है। और यह मकबरा है कहाँ? यह मकबरा है दिल्ली में।
कहां पर है? दिल्ली में। यही वो मकबरा है जहां पर कौन छुपा था? बहादुर शाह जफर छुपा था जब 1857 की क्रांति हुई थी। क्लियर? तो मुझे उम्मीद है कि मैक्सिमम लोगों के ये सवाल सही हुए होंगे, और जिनके नहीं सही हुए होंगे बिल्कुल भी परेशान नहीं होइए, क्योंकि अब तो सही होंगे ही। तो वो हाजी बेगम है जो हुमायूं की पत्नी थी। क्लियर? चले अगले सवाल पर। ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। जी हाँ, शेरशाह के अंतर्गत तांबे के दाम और चांदी के रुपए की विनिमय दर क्या थी? ठीक, परचेजिंग पावर की बात हो रही है यहां पर, एक्सचेंज रेट की बात हो रही है यहां पर। कि शेरशाह ने बहुत ढेर सारे काम किए, सड़क बनवाए उसने, घोड़े को दागने की प्रथा चलाई उसने, ठीक, सैनिकों के होलियार लिखने की प्रथा चलाई, तमाम ऐसी परंपराओं को शुरू किया शेरशाह ने, जो कि काफी हद तक सैनिक व्यवस्था से लेकर के तमाम प्रशासनिक सुधारों को चलाया। और आपको एक बात बता दें, शेरशाह के द्वारा चलाई गई ये मुद्रा व्यवस्था मुगल प्रशासन के रीढ़ की हड्डी थी। इसी को मुगल प्रशासन ने भी फॉलो किया और ब्रिटिश शासन काल तक इस मुद्रा को कैरी फॉरवर्ड किया गया। तो शेरशाह ने तांबे का दाम चलाया था, तांबे के सिक्के का क्या नाम था, दाम, और चांदी का रुपया उसने चलाया था, और इसका परचेजिंग वैल्यू थी 64:1। ठीक, कारण यह था कि चांदी का रुपया 180 ग्रेन का था। कितने ग्रेन का? यह रुपया आपका, रुपया 180 ग्रेन का था, और जो उसने दाम चलाया था तांबे का, दाम कितने ग्रेन का था? दाम 380 ग्रेन का था। कितने? 380 ग्रेन का था। और शेरशाह, मैंने बताया, वो शासक रहा है जिसने अपने सैनिकों के हुलिया लिखने, घोड़ों को दागने का जो है परंपरा चलाया। और शेरशाह ने क्या क्या, जो ये सिक्के वो जारी करता था, उन सिक्कों पर अपनी तस्वीर, शेरशाह की फोटो, उसके साथ साथ क्या करता था, अरबी लिपि में कुछ ना कुछ अपना नाम के तौर पर अंकित करवाता था। तो शेरशाह रहा भारत में मुद्रा व्यवस्था को जो है बेहतर बनाने वाला शासक। क्लियर? जिसने 64:1 में चांदी का रुपया और तांबे का दाम जारी किया। यस, ये चार युद्ध आपके सामने दिखाई दे रहे हैं, प्लासी का युद्ध, कलिंग का युद्ध, हल्दी घाटी का युद्ध और तराइन का युद्ध। इन चारों विकल्पों को आपको मिलाना है कि प्लासी का युद्ध किससे लड़ा गया और कब लड़ा गया। तो अगर इस हिसाब से देखें तो प्लासी का युद्ध किसके बीच लड़ा गया था? प्लासी के विद्ध युद्ध में एक नायक था सिराज, ठीक, तो सिराजुद्दौला और दूसरा व्यक्ति था क्लाइव कौन था? क्लाइव अंग्रेज था और सिराजुद्दौला बंगाल के नवाब थे। और ये युद्ध लड़ा गया है 1757 में। कब? 1757 में। तो पहले ही विकल्प में चौथा विकल्प मिलेगा, मतलब ए में डी। क्लियर? ए में चौथा मिलेगा, और ए में चौथा अगर मिलाया जाए तो सी ऑप्शन सही हो रहा है। एक ही विकल्प सही हो रहा है जो आपका सी ऑप्शन है। ठीक, यह युद्ध लड़ा गया 1757 में। दूसरे युद्ध पे चलते हैं, कलिंग का युद्ध किसने लड़ा? कलिंग का युद्ध लड़ा है अशोक ने। कलिंग पर आक्रमण किया था और इसी युद्ध के बाद उसने मानव बलि, मानव हत्या से जो है संन्यास ले लिया। और यह लड़ा गया 261 ईसा पूर्व में। ठीक, अशोक ने कलिंग युद्ध लड़ा, और कलिंग युद्ध हुआ कब? 261 ईसा पूर्व में। अब आइए हल्दी घाटी युद्ध की बात करते हैं। हल्दी घाटी युद्ध का एक नायक था राणा प्रताप। कौन? राणा प्रताप। और ये किसके मध्य हुआ था? राणा प्रताप और अकबर के मध्य ये युद्ध हुआ है। क्लियर? और यह युद्ध हुआ है कब? यह युद्ध हुआ है 1576 में। 1576 में लड़ाई लड़ी गई। तो हल्दी घाटी 1576, राणा प्रताप और अकबर। अब अंतिम बचा तराइन का युद्ध। तो तराइन का युद्ध, दो युद्ध हुआ है। तराइन प्रथम हुआ है 1191 में, फर्स्ट हुआ है 1191 और सेकंड हुआ है 1192। दोनों के परिणाम अलग अलग रहे। तराइन का युद्ध मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में हुआ, जिन्हें पृथ्वीराज तृतीय भी कहते हैं, पृथ्वीराज थर्ड थे वो। तो 91 के तराइन के, जो तराइन का प्रथम युद्ध था, इसमें पृथ्वीराज विजयी रहे, लेकिन तराइन का जो दूसरा युद्ध हुआ उसमें पृथ्वीराज को हार का सामना करना पड़ा, और भारत में सल्तनत काल की स्थापना या तुर्कों का आगमन या भारत में इस्लाम की सत्ता,
इसी 1192 के युद्ध के बाद शुरू हुई। तो इसने भारत में एक नए युग का प्रारंभ किया है, इसलिए 1192 का यह तराइन युद्ध बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्लियर, चलिए अगले सवाल पर। यह रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने। चलिए, चार लोग हैं और उनके सामने उनके द्वारा किए गए काम है, तो आपको इसमें चुनना है कि अकबर ने कौन सा काम किया और उसे विशेषतः किस लिए जाना जाता है। मोहम्मद तुगलक की तमाम योजनाएं रही, उसमें कौन सी योजना इसमें दिखाई दे रही है। इल्तुतमिश ने किसका कौन से क्षेत्र में काम किया और शेरशाह किसके लिए प्रसिद्ध है। तो अकबर की बात करें तो अकबर ने सबसे प्रायिकता जो है पहला काम आप कह लें कि इसने आईने दहशाला की स्थापना की। मोहम्मद बिन तुगलक तमाम योजनाओं को चलाने में जो है जाना जाता है तमाम योजनाओं के नाम पे, और उसी योजना में उसका एक काम रहा है प्रतीक मुद्रा। ठीक, और इल्तुतमिश ने 40 तुर्कों का एक दल बनाया था, 40 गुलामों का एक दल बनाया था, उसे आप कहते हैं तुर्काने चहलगानी। क्या कहा जाता है? तुर्काने चहलगानी, ये इल्तुतमिश द्वारा बनाया गया संगठन है। और शेरशाह जीटी रोड के लिए जाना जाता है, तो शेरशाह को क्या नाम मिला है? सड़क ए आजम। तो शेरशाह द्वारा बनवाई गई सड़क भारत की सबसे प्रसिद्ध सड़कों में से एक है। क्लियर, तो बेसिकली आपका सही आंसर क्या होगा? पहले में तीसरा, ये बी ऑप्शन आपका राइट दिखाई दे रहा है। 3-4-2-1। क्लियर, अकबर आईने दहशाला, मोहम्मद बिन तुगलक प्रतीक मुद्रा, इल्तुतमिश चहलगानी अमीर, भी 40 लोग थे ये, और शेरशाह सड़क बनवाने के लिए प्रसिद्ध है, तो इसे सड़के आजम कहा जाता है। क्लियर, चलें अगले सवाल पर। यह रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न यात्रियों को पधारने का अनुक्रम क्या है? भारत के इतिहास को अगर आप देखें तो भारत का बहुत सा इतिहास जो विदेशी यात्रियों के विवरण पर आधारित है। बहुत से विदेशी यात्री भारत आए, भारत के बारे में उन्होंने जाना और अपनी अपनी किताबों में लिखा। तो ये चार विदेशी यात्री जो भारत आए, उन्होंने भारत की व्यवस्था के बारे में लिखा, तो इनका क्रम आपको बताना है, ये कौन सबसे पहले आया? इब्न बतूता, ट्रेवर्नियर, अलबरूनी या मनुची? इनमें सबसे पहले आने वाला व्यक्ति दिखाई दे रहा है अलबरूनी। अलबरूनी कब आया? लगभग 1000 ईस्वी में। कब? 1000 ईस्वी में आपको अलबरूनी दिखाई दे रहा है, 1000 ईस्वी में। और ये 1000 ईस्वी में आया था, कब आया था, किसके थ्रू आया था और कहाँ का रहने वाला था, महत्वपूर्ण प्रश्न ये है। तो ये ख्वारिज्म का रहने वाला था। कहाँ का? ख्वारिज्म का रहने वाला था। और जब गजनी ने भारत पर आक्रमण किया था तो उस दरमियान ये साथ में आया था। ठीक, तो अलबरूनी किसके साथ? गजनी, याद रहे, गजनी के आक्रमण के साथ आया था। दूसरे पे चले, ट्रेवनियर और मनुची बहुत बाद में आए हैं। दूसरे नंबर पर इब्न बतूता दिखाई दे रहा है, जो 1333, कब? 1333 में भारत आया है। और बेसिकली इब्न बतूता एक अफ्रीकी यात्री था। कहाँ का था? अफ्रीकी यात्री था। अफ्रीका में एक क्षेत्र है मोरक्को, वहाँ का रहने वाला था। और इसने, इब्न बतूता ने बेसिकली सल्तनत काल में मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल के बारे में बहुत कुछ लिखा है। ठीक, और बेसिकली ये अपने एक यात्रा वृतांत में एक पुस्तक लिखा है इब्न बतूता ने, जिसका नाम है रेहला। क्लियर, रेहला नाम के शासन में मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में बहुत कुछ लिखा है। उसके बाद दो बचे, ट्रेवर्नियर और मनुची। तो ट्रेवर्नियर आता है 1638 में। कब आएगा? 1638 में ट्रेवर्नियर आता है। और ट्रेवर्नियर है कहाँ, बड़ा प्रश्न ये है, ये फ्रांस का है। कहाँ का है? ये फ्रांसीसी यात्री है। और बेसिकली ये एक जौहरी था। क्या था? एक जौहरी था, मतलब सोने चांदी और हीरे जवाहरात का व्यापार करने वाला। और शाहजहां के शासनकाल में ये भारत आ रहा है। क्लियर, तो शाहजहां के शासनकाल में आया। और सबसे बड़ी बात कि ट्रेवर्नियर एक बार नहीं, अपने जीवन काल में 6 बार भारत आया है। क्लियर, अब आ जाइए मनुची पर। तो मनुची 1653 में भारत आया। कब आया है? मनुची 1653 में भारत आया है। और मनुची बेसिकली है कहाँ का रहने वाला? तो मनुची एक इतावली यात्री है। कहाँ का है? इटली, ये इटली का है, मनुची इटली का है।
और ये महोदय कहाँ के हैं, ये फ्रांस के हैं। क्लियर। तो टेवर्नियर फ्रांस का, 6 बार भारत आया, 1638 में पहली बार आया और 6 बार ये 1663 तक आता रहा। क्लियर। अब आ जाइए मनुची पे, तो 1708 तक ये लगातार आता रहा, ठीक, इटली का ये यात्री था। क्लियर। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ये रहा आपका अगला सवाल। निम्नलिखित में से कौन सा राजपूत राजा संगीत पर एक पुस्तक लेखक के रूप में जाना जाता है? तो जयचंद गढ़वाल बिल्कुल नहीं, जयचंद अपनी गद्दारी के लिए प्रसिद्ध हैं। भारत में अगर किसी को गाली देना है तो उसे कह सकते हैं कि जयचंद मत बनो, वो समझ जाएगा अगर जयचंद के बारे में जानता है। तो भारत की दुर्दशा का एक जो कारक ये भी है जयचंद्र। क्लियर। दूसरा पृथ्वीराज चौहान, पृथ्वीराज चौहान के बारे में आप पहले भी जानते हैं, इन्होंने तराइन की 2 लड़ाइयाँ लड़ी हैं, एक 1191 और दूसरा 1192। 91 की लड़ाई इन्होंने जीत ली है, 92 की लड़ाई ये हार गए। मानसिंह की बात करें तो मानसिंह अकबर के सबसे विश्वस्त सेनापतियों में थे, कछवाहा राजवंश से संबंध रखते थे, अकबर के परिवार के साथ इनका पारिवारिक संबंध बना। अब बचे राणा कुंभा। जी हाँ, राणा कुंभा एक वीर योद्धा था, और बेसिकली आप राणा कुंभा की बात करें तो संगीत ही नहीं साहित्य में भी इनका बहुत जो है लगाव था। 1440 ईस्वी में इन्होंने महमूद खिलजी पर विजय प्राप्त की थी। क्लियर। तो याद रहे राणा कुंभा आपका राइट आंसर होगा। राणा कुंभा को सिर्फ संगीत ही नहीं साहित्य में भी रुचि थी, और मैंने बताया कि इन्होंने खिलजी वंश के एक शासक, क्या नाम है उसका, महमूद खिलजी पर विजय प्राप्त की थी। कब? 1440 ईस्वी में। और जब 1440 ईस्वी में इन्होंने महमूद खिलजी पर विजय प्राप्त की तो एक स्तंभ बनवाया जिसका नाम शायद सबको पता हो, क्या नाम है उसका, कौन बताएगा? उसका नाम है कीर्ति स्तंभ। क्या नाम है? कीर्ति स्तंभ बनवाया। तो 1440 में इन्होंने कीर्ति स्तंभ की स्थापना की थी। क्लियर। कीर्ति स्तंभ बनवाया था किस उपलक्ष में? खिलजी वंश पर विजय प्राप्त करने के उपलक्ष। क्लियर। आगे चले, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये रहा। जी हाँ, ये सातवां सवाल। कौन सा राजवंश हूणों के आक्रमण से अत्यंत विचलित हुआ था? ठीक, कौन सा राजवंश हूणों के राज्य आक्रमण से अत्यंत विचलित हुआ था? बेसिकली अगर हूणों की बात करें तो हूणों के आक्रमण से भारत काफी परेशान था। क्लियर। लेकिन 455 ईस्वी में, कब? 455 ईस्वी में हूणों के आक्रमण से जो विचलित साम्राज्य रहा वो काफी हद तक स्टैंड हुआ, और समुद्रगुप्त ने हूणों को परास्त किया, और परास्त करने के बाद हूणों को, हूणों से ये निजात पाए। तो बेसिकली समुद्रगुप्त किस वंश का है, अगर ये आप जानते हैं तो आप जान जाएंगे कि वह किस वंश को ज्यादा क्षति पहुंचाए। देखिए, हूण विदेशी थे, बेसिकली हूण विदेशी थे, और ये 400 से 500 ईस्वी के बीच में लगातार एक्टिवित रहे और भारत पर अपनी विजय, लूटपाट, तमाम जो है ऐसे कार्य कर जो है कार्य में रत रहे। लेकिन जब उस समय गुप्त शासन काफ़ी जो है शक्तिशाली था, और जब यहाँ पर इनकी इनसे मुलाकात हुई गुप्तों से, तो समुद्रगुप्त ने उन्हें बुरी तरह रौंदा, और फिर जब लगभग 6वीं शताब्दी तक जाते जाते ये हूणों से मुक्त हुए। लेकिन फिर भी इनके बाद, समुद्रगुप्त के बाद हूण फिर एक्टिवेट हुए और उन्होंने क्या किया, काफ़ी क्षेत्रों पर कब्जा कर लिया। क्लियर। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, ये रहा आपका अगला सवाल। शक विजेता किसे जाना जाता है? चंद्रगुप्त प्रथम, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय या कुमारगुप्त? ये 4 शासक हैं जिन्हें शक विजय, इनमें से एक शक विजेता है, और शक विजेता होने के बाद उसने एक उपाधि धारण की थी जिसको आप कहते हैं सकारी। क्या कहते हैं? सकारी की उपाधि उसने धारण की थी, इसका नाम, जिसने अपने नाम के आगे विक्रमादित्य भी लगाया है, तो वो व्यक्ति है चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने बेसिकली दक्षिण में अपनी सत्ता को बढ़ाया, और ये वहाँ पर दक्षिण भारत में शकों को पराजित करते हैं, और शकों को पराजित करने के उपलक्ष में इन्होंने सकारी की उपाधि धारण की है। किसकी? सकारी की जो है उपाधि धारण की है। तो इसका आंसर क्या होगा? चंद्रगुप्त द्वितीय। ओके, चलें अगले सवाल पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये रहा। जी हाँ,
रजत सिक्के जारी करने वाला प्रथम गुप्त शासक कौन था, मतलब चांदी के सिक्के जारी करने वाला पहला गुप्त शासक। चंद्रगुप्त प्रथम, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय, कुमारगुप्त, मतलब सारे के सारे गुप्त वंश के शासक हैं। तो कौन है? ठीक, तो बेसिकली अगर रजत सिक्के की बात करें तो रजत सिक्के वही जारी करेगा जो अपने नाम के आगे विक्रमादित्य लिखा रहा है। जी हाँ, चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य ने रजत सिक्के मतलब चांदी के सिक्के जारी किए हैं। गुप्त वंश एक ऐसा शासन रहा है जिस वंश में सोने के सर्वाधिक सिक्के जारी किए गए हैं। याद रहे गुप्त काल में ही, ठीक, गुप्त काल में जो है सोने के सर्वाधिक सिक्के जारी किए गए हैं। मैंने पहले भी बताया है सोने के सर्वाधिक सिक्के इसी शासन काल में जारी किए गए हैं। ठीक, याद रहे सोने के सिक्के की शुरुआत भारत में किए, सोने के सिक्के को प्रारंभ किया किसने, सोने के सिक्कों को प्रारंभ किया भारत में इंडो ग्रीक शासकों ने। इंडो ग्रीक, जिसमें विन कडफिशस आता है, क्लियर, इंडो ग्रीक ने। लेकिन ये सोने के सिक्के शुद्ध नहीं थे। सबसे शुद्ध सोने के सिक्के जारी किए गए हैं किसके द्वारा? सबसे शुद्ध सोने के सिक्के जारी किए गए हैं जो है कुषाणों के द्वारा। सबसे शुद्ध सोने के सिक्के जारी किए गए हैं कुषाण मतलब कनिष्क वगैरह, क्लियर, कुषाणों के द्वारा। और सबसे अधिक मात्रा में अगर बात करें तो सबसे अधिक मात्रा में सोने के सिक्के जारी किए गए हैं गुप्तों के द्वारा। इन्हीं गुप्त शासकों में चंद्रगुप्त द्वितीय ने चांदी के भी सिक्के जारी करवाए थे, क्लियर, ओके, और उस पर विक्रमादित्य की उपाधि भी अंकित करवाई थी। यस, ये रहा अगला क्वेश्चन। इनमें से किस आयुर्वेदाचार्य ने तक्षशिला विश्वविद्यालय में शिक्षा प्राप्त की थी? तो बेसिकली तक्षशिला विश्वविद्यालय है कहाँ? वर्तमान पाकिस्तान में रावलपिंडी जिले में तक्षशिला प्राचीन काल का विश्वविद्यालय रहा है। मतलब आज वो भारत में नहीं है, बल्कि कहाँ है? आज वो भारत में न होकर के पाकिस्तान में है, और पाकिस्तान के रावलपिंडी जिले में ये हुआ करता था। आज ये पूरी तरह से लगभग नष्ट हुआ है। ठीक, तो गांधार राज्य की राजधानी तक्षशिला रही है और इतिहास में इसका बड़ा नाम रहा है। चाणक्य जैसे लोगों ने तक्षशिला में काम किया है, तक्षशिला से शिक्षा प्राप्त की है, और यहाँ के आचार्य भी रहे हैं। ठीक, और इनमें से यहाँ पर आयुर्वेद की भी पढ़ाई होती थी। इनमें से चरक महोदय रहे हैं जिन्होंने चरक संहिता लिखी है। जी हाँ, चरक संहिता इन्होंने लिखी है। इन्होंने जो है वहाँ से शिक्षा प्राप्त की है, कहाँ से? तक्षशिला से, क्लियर। तो फ्रेंड्स, आज इसका आंसर होगा सी। तो आज के सेशन में बस इतना ही रखते हैं, 10 सवाल आपके कंप्लीट हुए। मुझे मैसेज करके ज़रूर बताइएगा कि ये सेशन आपको कैसा लग रहा है, इसमें क्या सुधार किया जाए, क्या और इसमें एफर्ट डाला जाए जो आपको ज़रूरी लग रहा हो, तो मुझे ज़रूर बताइएगा। आज के लिए बस इतना ही, रात काफ़ी हो चुकी है, जो है आपको भी खाने पीने और सोने का समय हो रहा है। तो आज यही इस सेशन को ख़त्म करते हैं। बाय बाय, टेक केयर एंड गुड नाइट।